ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਪਲ, ਹਾਥੀ ਸੇਬ, ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੀਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਸੇਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਪਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਦਵਾ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਰਜ ਜੀ ਆਪਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਭੀ ਕੋ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਓ ਕਾ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਓ ਕਾ। ਔਰ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ मतलब सर्विस इंजीनियर रहा हूँ मैं, तो मैं कुछ ना कुछ चीजें मतलब ढूंढते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नई चीजें तलाशने का प्रयास करता हूँ। तो उसी में मुझे जो है एक विशेष औषधि मिली, आप औषधि बोल सकते हैं, आप इसको फल बोल सकते हैं। पहले मैं उसका दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि ये जब मैं फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, हालांकि मैं भी पहली बार देखा हूँ। मैं कभी कोई चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे पास जितना रहता है उससे कम ही बताने का प्रयास करता हूँ। तो फिर भी मैंने जो है जानकारी इकट्ठा, क्योंकि चैनल के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी भी देनी है, तो मैंने यहाँ के लोगों से जानकारी जो है इकट्ठा किया। कुछ लोगों से मुझे कुछ वैद्य के माध्यम से विशेष इसकी जानकारी मिली है, वही चीजें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं उस दुर्लभ जो चीज है उसका मैं दर्शन करा देता हूँ। आप देखिए कैसा आड़ा टेढ़ा टाइप दिख रहा है ये फल, ये देखिए। जी जी जी। और ये एप्पल, एलिफेंट एप्पल इसलिए पड़ा है, ऐसा बताया जाता है कि ये हाथी का बहुत फेवरेट फल है, मतलब बहुत पसंदीदा फल है, इसलिए भी इसका नाम जो है एप्पल फल दिया गया है। तो ये ऐसा दिखा, इसमें यहाँ पे दिया तीन लेयर के हिसाब से, जैसे नारियल रहता है या ताड़ गोला, जो ताड़ी वगैरह लोग पीते हैं तो ताड़ी का फल होता है उसके जैसा है, पर उससे बड़ा है। नारियल जैसा दिखता है पर कच्चा नारियल से छोटा है, मतलब उस साइज का है। और ये पकता है, इसको खाते भी हैं लोग, अंदर के जो फल है खाते हैं। और इसका पहचान एक तो ये हो गया, और इसके यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत सारे हैं, मैंने कुछ चेक किया तो मुझे मिला, वीडियो भी मिला। और इसके पत्ते देखिए, मैं पत्तों का पहचान करा देता हूँ। ये इस तरह से जो है पत्ते रहते हैं, गुच्छे में पत्ता रहता है। और अगर मैं एक पत्ते तोड़ के इसका पहचान कराऊं तो आप पत्तों में देखेंगे विशेष जो है धारीदार लाइन है। और ये लाइन सूखने के बाद भी ऐसे ही रहता है, मतलब सूखने के बाद भी जो मैंने पत्ता लाया था वो सूखने के बाद भी इसी टाइप से जो है इसमें लाइन रहती है। 40 से 50 फुट जो है ऊंचा पेड़ होता है। और ये एक विशेष औषधि है, जो औषधि शायद किसी को पता नहीं रहेगा, पर जंगल का फल है ये, जंगली फल बोलते हैं इसे। तो इसे आदिवासी लोग विशेष तौर से इसका सेवन करते हैं, आदिवासी लोग इसका विशेष तौर से सेवन करते हैं। इसका जो अंदर फल है, गुदा है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक फोड़ा तो अंदर का ये देखिए, ये लेयर दिख रहा है इस टाइप का। और ये फल देखिए, ये इस टाइप से जो है फल दिख रहा है जी। तो ये ब्रेन, हार्ट और किडनी और पेशाब की समस्या, विशेष तौर से इन रोगों की बड़ी अच्छी औषधि है। जब मैंने मुझे वैद्य के माध्यम से जानकारी मिली तो मुझे बताया कि, और ये आदिवासी लोग खाते भी हैं, इसका सेवन भी करते हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप फल जो है लगता है। और विटामिन सी से भरपूर है इसके जो औषधि गुण बोलेंगे तो विटामिन सी जो है इसमें भरपूर है, तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करेगी, आपके आंखों की बीमारी भी ठीक करेगी। और इसी टाइप से जो है इसका फल निकलता है, ये देखिए पूरा फल जो है मैंने निकाल के रखा, इस टाइप से फल जो है ऐसा दिखता है, बड़ा ही सुंदर लगता है फल दिखने में। और इसका अचार बनता है और इसका जूस बनता है। इसके लेयर को, ऊपर के लेयर को निकाल के जो अंदर का लेयर है उसकी सब्जी भी बनती है। फिलहाल सब्जी आज हम बनाने वाले हैं, क्योंकि मैंने आज लेके आया तो मैं इसकी सब्जी तो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट करके भी लोगों को बताना किस टाइप का इसका टेस्ट लगता है। और इसका जूस भी बना के मैं पीऊंगा।
इसके औषधि गुण ये है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगा, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज जो होती है उसको ठीक करेगा, किडनी को फिल्टर करने वाले जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको सही करता है, जो छन्नी हमारी है वो छन्नी को जो है ये जो रक्त वहां पे जम जाता है उसको जो है ये फिल्टर करके बाहर निकालता है, मतलब किडनी की अच्छी दवाई है। और पेशाब से संबंधित कोई भी दिक्कत है उसकी ये दवाई है, ऐसा मुझे यहाँ के वैद्य लोगों से जो है अनुभव मिला। तो मैं इसमें अपनी चीजें अपनी बातें जोड़ना चाहूंगा कि जो भी चीजें हमारा अगर ब्लॉकेज खत्म करता है तो वो समझ लीजिए विशेष तौर से वो रक्त शोधक एक औषधि है, मतलब रक्त की कोई भी अशुद्धि है चाहे वो अम्ल पित्त हो, एसिड भर गया शरीर में, एसिडिटी की दिक्कत है तो वहां पे भी ये अच्छा काम करेगा। मतलब मैं ये अपना अनुभव जोड़ रहा हूँ इसके गुणों के आधार पे। तो जिनको भी एसिडिटी की दिक्कत, अगर जिनके पास ये फल अजूबा फल जो एकदम अलग टाइप का दिख रहा है जिनके पास अगर रहे तो आप जो है इसका सेवन आप कर सकते हैं। ऐसा बताते हैं कि ये एक दो महीने में, मतलब गर्मी के बाद जैसे बारिश आएगा ना तो ये पक जाता है, पूरा अंदर से पक जाता है, इसको ऐसे भी खाते हैं लोग। अच्छा, तो ये औषधि गुण में मतलब मुझे वैद्य लोगों के माध्यम से जो है निकल के आया, तो मैं सोचा कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि मेरा एक अभियान है कि हमारे घर के आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हो या आसपास में हम कभी बाहर जाते हैं हमें कुछ भी मिल जाए हम उसी से इलाज कर लें, हमें जरूरी ना हो कि हम यहाँ भागे वहां भागे, जो मिल जाए उसी से हम अपना इलाज करके अपने आप को स्वस्थ कर लें। इसी के लिए ये अभियान एक चलाया जा रहा कि जड़ी बूटियों का परिचय, इसमें हम लोग नेक्स्ट मंथ में अप्रैल महीने में हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग जड़ी बूटी का विशेष जो है यहाँ पे ट्रेनिंग रखने वाले हैं और उसमें इसके और विशेष लाभ जो है वैद्य लोग भी आएंगे और भी टीम हमारी आएगी उसके माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। तो धीरज भाई आपने इसको बताया कि अलग अलग रोगों के इसका फायदा होता है, तो मतलब एक एक करके थोड़ा सा बताएं कि उसमें इसको लेना कैसे है, कैसे कैसे उसके मतलब सेवन से इसका फायदा होगा। जी जी, जो भी रोगी हैं विशेष तौर से जो रोगी हैं उनके लिए है कि इसका जूस बना के पीना है, जूस बना के खाली पेट जब भी पीना है खाली पेट पीना। इसकी तासीर जो है ठंड तासीर है, मैं आपको इसकी तासीर बता देता हूँ, ठंड तासीर है इसकी। और ये वैद्य के माध्यम से मुझे पता चला तो इसमें डायरिया में भी काम आता है, जिनको भी लूज मोशन की दिक्कत होती है उसमें विशेष तौर से इसका भी काम आता है। तो प्रयोग विधि जो है इसका विशेष, अगर औषधि के हिसाब से प्रयोग करना है तो आप इसका जो है उनका कहना है कि लूज मोशन जूस के रूप में ही इसका अगर प्रयोग करें तो ज्यादा लाभ मिलेगा। शायद और भी तरीका रहेगा पर मैंने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, फिलहाल मेरा ये रिसर्च है। अभी मैं एक साल के बाद जब नेक्स्ट ईयर में मतलब इसको पूरा यूज कर लूंगा तो अगले साल मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, या चार पांच महीने के बाद जरूर मैं इसके अनुभव और बता सकता हूँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये कोई भी बीमारी है आपको जूस के, कोई भी बीमारी आपको जूस फॉर्म में ही लेना है विशेष तौर से। और ऐसे अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है तो आप इसका अचार बनाइए, चटनी बनाइए, जूस बनाइए, जैसा खाना है सब्जी बनाइए उसका सेवन करिए। रॉ में बताया गया है कि रॉ में गुड़ ज्यादा होते हैं, ऐसे ही रॉ में अगर लिया जाए तो। तो धीरज भाई आपने बताया कि इसका जो है वो ठंडी तासीर है, तो फिर ये घबराहट, बेचैनी, पेट खराब, थकान, मतलब जिसके पानी की कमी बॉडी के अंदर, तो उसमें ये तो फिर बहुत काम आता होगा। जी 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 जी, सबसे काम आएगा, जितने भी आप बातें बताए ये सबसे काम आएगा। मैंने बताया ना अम्ल पित्त पे बहुत विशेष काम करेगा, रक्त शोधक है तो वो रक्त शोधक में वो सारी चीजें आ गई, डाइजेशन की सिस्टम जो है डाइजेशन सिस्टम हो गया, पानी की कमी शरीर में है तो उस तरीके से जो है इसका विशेष गुण है पाचन तंत्र को मजबूत करने का काम, वो सब पे काम करेगा जी। तो इसके बारे में जहां तक मुझे एक ज्ञान है कि उसमें कैंसर के रोगों में भी ये काम आता है, इसके पत्ते, इसकी छाल जो है, तो आप उससे जी, हो सकता है रहेगा, पर मैं बताया ना मेरे लिए खुद नई औषधि है और अगर कुछ ऐसी चीजें जानकारी मिलेगी मुझे तो मैं जरूर इसका प्रयोग कराऊंगा। मैंने पूछा था मैंने कैंसर में क्या काम आता है, बोले मुझे प्रयोग नहीं किया है, वैद्य से मैंने बात किया बोले मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है, शायद होता रहेगा पर मैंने प्रयोग नहीं किया है। तो डायबिटिक मतलब जिसको मधुमेह की समस्या हो उसके लिए ये कैसे फायदेमंद रहेगा? जी जी जी, उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें ऐसा कोई
शुगर वाली चीजें नहीं है और खट्टा मीठा फल है, विशेष तौर से जंगल का फल है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, तो डायबिटीज वालों के लिए तो सारे फल काम करते हैं। जितना भी नेचुरल एनवायरमेंट का फल है, मतलब बगैर पेस्टिसाइड के जो पका हुआ फल है, वो सारे फल डायबिटीज के लिए काम आता है। और ये जंगल का फल है तो ये विशेष तौर से अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, टोटली केमिकल फ्री है, ये अच्छा काम करेगा डायबिटीज वालों के लिए। मैंने ये इसलिए पूछा धीरज भाई क्योंकि आपने बोला कि इसमें विटामिन सी है, तो जिसमें भी विटामिन सी होगा उसका जो स्वाद थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा, तो खट्टा जो स्वाद है उसमें विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो है वो लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि ये उसमें फायदेमंद होगा या नहीं। जी जी जरूर जरूर, सबसे फायदा होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा, रक्त शुद्धि, मतलब एक सीधी सी बात है, जो भी औषधि मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग विशेष तौर से जानकारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो ये जानकारी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें समझने में इजी रहे। कोई भी औषधि अगर रक्त शोधक है तो आप समझ लीजिए आपकी सारी बीमारी पे काम करेगा। डायबिटीज कैसे पता चलता है, आपका ब्लड तो ही टेस्ट होता है, तो ब्लड में इंफेक्शन है, मतलब ब्लड के सारे इंफेक्शन को मैं बोलूंगा ये ब्लड कैंसर में विशेष तौर से कार्य किया जा सकता है इसके फल से। ब्लड की कोई भी दिक्कत है उसमें सभी में ये लाभ करेगा, या रक्त की कोई भी दिक्कत अशुद्धियां है उसको भी दूर करेगा। तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी जो है वो मैं भी दर्शकों के साथ साझा कर दूं कि भारत के कुछ जंगलों और रिजॉर्ट रिजर्व फॉरेस्ट कोर एरिया से फलों को तोड़ना या फिर गिरे हुए फलों को जंगल से बाहर लेके आना कानूनी तौर पे अपराध माना जाता है। तो ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह फल जंगली शाकाहारी जानवरों के खाने में कमी ना आए। इसके अतिरिक्त इन फलों के बीजों को अंकुरण हेतु प्राकृतिक वातावरण और माध्यम से और उगाया जा सके और प्रजाति बढ़ाई जा सके, इसलिए इसके ऊपर अंकुश लगाया गया है कि इसको लीगल। लेकिन अगर औषधि के तौर पे इसका बनाना है तो ये जो है वो बहुत फायदेमंद है, ये पब्लिक के हित की बात है। तो ये अपने आप में एक अनूठी जानकारी। तो जंगली इसका हाथी फल जो है वो आपने बताया कि पेशाब के रोगों के लिए ये फायदेमंद है, तो जूस फॉर्म में इसको लेना है या इसका पाउडर भी बन जाता है कभी? नहीं, पाउडर तो नहीं हुआ है ये, एक्चुअली इसमें व्यापार तो किसी का है नहीं, मैं ऐसा बोलूंगा। तो अगर ये ताजा ही मिले तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, बाकी ये मेरा रिसर्च रहेगा, एक साल में 6 महीना रिसर्च करूंगा, उसके बाद जो है मैं इसका और जानकारी इकट्ठा करूंगा और कुछ प्रयोग करूंगा मेरे पर्सनल लोगों के ऊपर, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है, हम नॉर्मली अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे लोगों को, और उसके बाद जो उनके रिजल्ट आएंगे उसके माध्यम से मैं आगे जरूर इसके बारे में बता सकता हूँ। शायद पाउडर भी होता रहेगा, सुखा के इसको छोटे छोटे टुकड़े करके पाउडर बना सकते हैं, पर ताजे में ज्यादा फायदेमंद मिलेगा जितना ताजा रहेगा। किडनी में ये, क्योंकि किडनी और पेशाब, जो पेशाब की नाली है, ब्लडर है, ये सारा आपस में जुड़ा रहता है, तो किडनी में ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि ताकि ये किडनी को फायदा पहुंचाता है, किस तरह से काम करता है बॉडी के अंदर जो है वो किस तरह से काम करता है? जी जी, रक्त शोधक होने की वजह से ये ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड थिनर का काम करता है। तो जो है छानना, मतलब क्या हो रहा है कि क्या जो किडनी की जो छलनियां होती है जिससे छन के टॉक्सिन्स बाहर निकलता है और वहां पे ब्लड के थक्के जम जाते हैं और उसको जो है ये पतला करके धीरे 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 जो है निकालने का कार्य करता है, ऐसी मुझे जानकारी जो है वैद्य जी के माध्यम से मिली है। तो डिप्रेशन और चिंता रोग में भी क्या इसका कुछ फायदा होता है, क्योंकि इसकी आपने ठंडी तासीर बताई है, तो क्योंकि डिप्रेशन रोग एक ऐसा रोग है, घबराहट डिप्रेशन, ये गर्मी के साथ इसका बहुत दुश्मनी रहती है क्योंकि गर्मी की वजह से डिप्रेशन काफी बढ़ जाता है, तो उसमें ये फायदा देता है? मैं शुरुआत में बोला था ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये तीनों पे काम करेगा। मैं शुरुआत में बताया था ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये फल जो है तीनों पे काम करेगा। तो ब्रेन पे सीधी सी बात है, कोई भी दिक्कत है, मानसिक दिक्कत है, वहां पे जो है इसका विशेष लाभ मिलना चाहिए। शायद ये वैद्य लोगों से जानकारी और लेने के बाद जो पता चलेगा, उन्होंने खुद बताया कि आप जो है इसका प्रयोग सभी चीजों के लिए कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट को विशेष तौर से गर्मी वाली दिक्कत ज्यादा रहे, या हार्ट की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है,
वहां पे जो है आप इसका विशेष प्रयोग कर सकते हैं जूस के फॉर्म में, और इसकी सब्जियां वगैरह भी बनती है तो सब्जी वगैरह बना के भी अगर खा सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो ऊपर का लेयर है आप देखेंगे तो ये मैं लेयर निकाल रहा हूँ, काफी हार्ड है, ऐसा हाथ से नहीं निकलेगा ये लेयर निकलने के बाद अंदर का जो गुदा होता है, जैसे पत्ता गोभी, बंद गोभी होती है पत्ता गोभी, हम इसे लेयर निकालते हैं तो उसी टाइप का अंदर निकालने के बाद जो है इसकी सब्जी बनती है। फल तो है ही, उसके लेयर का भी सब्जी बनती है जो नरम वाला लेयर अंदर का है जी। तो धीरज भाई आपने इतनी औषधियां आप बताते हैं, लेकिन ये जो फल है ये आपने बताया ये जंगल की औषधि है, खास करके जंगल में मिलने वाली चीज है, बाहर नहीं मिलने वाली है। मुझे लगता है कि ये पंसारी की दुकान से भी बहुत मुश्किल से मिलेगी अगर मिलेगी तो। अगर किसी ने इसको मंगवाना हो या अगर किसी के कुछ चाहत हो इसकी तो फिर वो कैसे इसको करेगा? जी जी, जिनको ये चाहिए रहेगा अगर उनको जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा कि मैंने एक हफ्ते पहले का भी तोड़ के रखा हूँ, ये जो है एक हफ्ते पहले का है, मैं शुरुआत में बताया मैं रायपुर जा रहा था उसके पहले मेरे पास आ गया था, तो एक हफ्ते पहले का, ये खराब नहीं होता है, मैं ये चेक करने के लिए जानबूझ के रखा था कि खराब होता है क्या, तो खराब नहीं होता है ये, एक महीने तक पता चला कि चलता है, एक महीने तक कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जिनको भी चाहिए रहेगा, हालांकि इसका वजन ज्यादा है, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला वाला जो होती है ना वो वाली यहाँ पे ये सूट कर रही है। अगर मैं इसको तोड़वा के अगर किसी को मैं एक पीस 50 रुपए के हिसाब से भी दूंगा तो कम से कम 70 रुपया 75 रुपया पोस्ट ऑफिस का चार्ज लगेगा, क्योंकि मैंने अभी हमारी जो डॉक्टर विश्रुप चौधरी जी है मैंने उनको भेजा, मैंने तो दो पीस भेजा, दो पीस का जो है 120 रुपया करीब उनका जो है पोस्ट ऑफिस का चार्ज लग गया। फिर भी जिनको शौक रहेगा मैं प्रयास करूंगा इसको जो है मैं भेज दूंगा, और आप इसका लाभ उठाइए, और इसका मैं संरक्षण करने के लिए भी प्रयास करूंगा कि इसके बीज का व्यवस्था कैसे हो ताकि जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, अपने खाली जगह में जो है लगा दीजिए, कुछ पेड़ पौधे निकलेंगे, हो सकता है कभी गांव में हाथी आएगा तो हाथी को भी खिलाएंगे और हम भी खाएंगे तो भी संरक्षण भी हो जाएगा जी। तो इसमें जो है वो आम आपने बताया कि एक जंगल की औषधि है, तो क्या ये आम जगह पे लग जाएगा ये आराम से? जी जी, यहाँ पे ऐसे तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलता है विशेष तौर से, तो अपने यहाँ पे जैसे बंजर भूमि हर गांव के आसपास में रहता ही है, हर गांव हर शहर के आसपास में थोड़े दूर पे बंजर भूमि रहता ही है। प्रयाग स्थल ये करना, जब भी आप इसको लगाएं तो बारिश का मौसम रहे तो जल्दी से ये पेड़ जो है ग्रोथ कर जाएगा, तो बारिश के टाइम पे इसका ध्यान देना है हमें, क्योंकि बारिश में ये फल पक जाएगा तो बारिश में शायद इसके बीज भी मिले, क्योंकि जहां से मैंने इसको लिया वहीं पे 2-3 पेड़ छोटे छोटे निकले हुए थे, तो शायद इसी से निकला रहेगा, बीज के माध्यम से निकलेगा, दूसरा कोई तो रास्ता है नहीं, तो उसको बारिश के मौसम में अगर हम लगाएंगे तो शायद लग जाएगा, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, प्रयास तो करना चाहिए। जी जी, एक प्रश्न जो है मुझे लगता है कि ना सिर्फ मेरे मन में बल्कि दर्शकों के मन में भी होगा कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है? ऐसे तो मैं बोलूं तो कोई भी फल फ्रूट्स है कोई भी हमारी भारतीय मतलब जो भी अनाज फल फ्रूट हम लोग खाते हैं उसके कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, विशेष नहीं होते हैं, मतलब अगर कुछ होता भी है उनको कोल्ड कफ हो जाएगा क्योंकि तासीर ठंडी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। कुछ लोगों को लग सकता है अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये इसमें बताते हैं कि थोड़ा सा ये मतलब भारी भी है, मतलब खाने में डाइजेशन सबको नहीं होता, फटाफट डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, शायद कब प्रकृति वाले को दिक्कत होगी तो लूज मोशन लग जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होएगा वो अच्छा ही होएगा, मतलब सर्दी जुकाम हो गया तो भी अच्छा ही सिग्नल है, कम से कम उनको लीवर की बीमारी नहीं आएगी, हेपेटाइटिस ए बी सी डी की बीमारी नहीं आएगी, लूज मोशन अगर लग गया तो सर्दी जुकाम लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है जी। हमने बात की कि लूज मोशन लग जाता है तो इसका मतलब जो कब्ज के रोगी होंगे उनके तो ये तो फायदेमंद है ये। हाँ, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, हालांकि मैं बता दूं कि एक एक बीमारी के लिए जो है ना
एक एक हजार औषधियां हैं। मतलब हमें इसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना कि बहुत सारे लोग रहेंगे अरे हाँ अब तो मैं इसी को मंगाऊंगा इसी से ठीक हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे से इसके लिए मांगे। हाँ, जानने के लिए, समझने के लिए, शौक के लिए अगर मंगा रहे तो लीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं हमारे पास है। और कोई दवाई के साथ मांगेगा, पता चला एक खुराक खाया उसको काम नहीं किया तो बदनामी करेगा, बोलेगा अरे धीरज भाई तो ऐसे झूठ मूठ का बोलते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा उसके लिए जिसको भी दिक्कत है, आपके घर में त्रिफला चूर्ण मिल जाएगा, हरड़ मिल जाएगा और आयरन का तेल मिल जाएगा, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो हमारे पेट को क्लीन करती है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसीलिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। जी धीरे भाई, आपने एक बार फिर जो है वो बाकमाल जानकारी दी है, तो मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सभी लोगों को पसंद आएगी, और खास करके इस एप्पल, इस एलिफेंट एप्पल को देखने के जो उत्सुक लोग होंगे वो इस वीडियो को देख के जो है वो बहुत हैरान होंगे कि ये एलिफेंट एप्पल पहली बार देखा। तो जाते जाते अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि कोई लोग जो है, अगर आपने जो है वो स्वस्थ स्वरिद्ध परिवार जो है वो एक अभियान चलाया हुआ है, लोगों को तंदुरुस्त करने का एक अभियान चलाया हुआ है, मेरा साथ दे रहे हैं, और पर आप पैसा जो है वो बहुत कम ले रहे हैं, तो आपके जो मदद करना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ मदद लेना चाहते हैं कुछ लोग सेहत के संबंध में, तो वो नंबर आपने बता दीजिए। जी जी, जिन भाई बंधु को, बड़े बुजुर्ग या जो सामर्थ्यवान लोग हैं जिनको हमारे इस अभियान में सहयोग करना चाहते हैं या हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहते हैं, मैं सभी लोगों को मतलब इनवाइट करता हूं कि आप लोग हमारे इस अभियान के साथ में जुड़िए। स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार पूरे भारत भर में लगभग फैल चुके हैं, और उनके साथ में जुड़ के उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, और जितना संभव मदद हो तन मन धन अगर आप लगा के करते हैं तो जरूर हम लोग इस अभियान में अपने आप में कैंप भी लगा सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हमारी टीम सब लोग वहां पे आए, वहां पे लोगों को जागरूक किया जाएगा और उपचार भी किया जाएगा, ऐसा प्रयास करेंगे। और जिनको मदद करनी है तो मेरा नंबर है, फोन पे पेटीएम नंबर है 9833504614, 9833504614, 9833504614, ये हमारा नंबर है। आप जो है इससे फोन पे पेटीएम के माध्यम से मदद कर सकते हैं। दूसरा मेरा ऑफिस का नंबर है 9931776339, 9931776339। तो इस पे है अपना डिटेल, अगर बीमारी का कोई दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं। तो ये मैसेज आप कब चेक करते हैं, या उसी वक्त तुरंत जवाब दे देते हैं या बाद में आप इसको जवाब देते हैं? जी जी, जिनको गंभीर दिक्कत रहती है मैं प्रयास करता हूँ उनको 24 घंटे का मैं समय देता हूँ, और जब मेरा प्रोग्राम रहता है तो एक दो दिन भी गैप भी हो जाता है। ज्यादातर प्रयास रहे हमारा रहता है कि 24 घंटे के अंदर उनको रिप्लाई, अगर पूरी जानकारी मुझे मिल जाती है तो मैं उनको पूरी जो है जानकारी 24 घंटे के अंदर ही, रात के टाइम पे मैं बैठता हूँ विशेष तौर से, रात में मैं उस समय मैं कुछ अध्ययन करता रहता हूँ वहाँ पे देखता हूँ, और सुबह में मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, तो 5 बजे से जो है मैं यही सारी चीजें करता हूँ उनको, मैं दिन में मैं फ्री रहूँ ताकि और उनका भी कार्य चलता रहे। इसीलिए मैं बोलता हूँ विशेष तौर से कि आप मैसेज कर दीजिए, मैसेज मेरे पास ही आता है सारे मैसेज, और वो मैसेज जब मैं फ्री हो जाता हूँ तभी मैं देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई, आपने एक बार फिर जो है वो हमारे दर्शकों को बहुत बढ़िया जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो जरूर पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई, जिन्होंने हमें बताया कि हाथी एप्पल यानी कि एलिफेंट एप्पल यानी हाथी सेब जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर का फल कैसा होता है, उसकी बाहर की जो लेयर है वो कैसी होती है, कौन सी चीज कैसे कैसे काम आती है, और बॉडी के ऊपर ये एलिफेंट एप्पल कैसे काम करता है, और एलिफेंट एप्पल अगर किसी ने मंगवाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फोन उठाइए, फटाफट से वो माध्यम ढूंढिए जिससे आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शेयर की हुई एक वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी, और उनमें से अगर चंद लोग भी इस वीडियो को, ये दी गई जानकारी का फायदा उठाकर अपने आप को तंदुरुस्त कर लेते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर लेते हैं, अपने अपनों को ठीक कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाजें पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब
और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दो इजाजत, धन्यवाद।